तो कैसे हो दोस्तों, पैक फाइल लेने के लिए तैयार हो? पैक फाइल लेने से पहले लाइक कीजिए, उसके बाद पैक फाइल लीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि पैक फाइल में पासपोर्ट लगा हुआ है। पासपोर्ट के लिए पूरा लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा। पैक फाइल आप सभी को दिखाते हैं कौन सा पैक फाइल है, जो की ढोल पर ये जो मुट्ठी बांधकर मारता है उदगा पैक उसे कहते हैं। तो हम लोग उदगा उसे कहते हैं जो कि 4 स्टेप में उसका जरूरी पड़ता है। तो 3 स्टेप तक मैं दे चुका हूँ डीजे ट्रैक म्यूजिक काटने के लिए और डीजे सॉन्ग्स बनाने के लिए। 3 स्टेप तक मैं दे चुका हूँ, जैसे कि किक पैक, कीट पैक, ढोलक पैक और ये रहा उदगा पैक ढोलकी। बोले तो ढोलक उदगा पैक मैं आज लेकर आया हूँ, तो आप सभी को मैं सुनाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे उसे यूज करता है। और एक कमेंट बहुत दिन से आ रहा था कि भैया पैटर्न बनाना सिखाइए, पैटर्न बनाना सिखाइए। चलिए मैं इसी वीडियो में पैटर्न बनाना सिखाऊंगा, जो कि फोर बीट से मैं पैटर्न बनाऊंगा। और 3 बीट में दे चुका हूँ उसका यूज करूंगा और एक देने वाला हूँ आप सभी को, जो मैं यूज करके और आप सभी को सुनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कैसा है ढोलक उदगा पैक। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही FLP प्रोजेक्ट और पैक फाइल चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। और आप सभी को पता ही है कि मैं फ्राइडे एक पैक फाइल लेकर आऊंगा और सैटरडे को शाम को 7 बजे मैं लाइव में आता हूँ। तो अब से मैं लाइव में आऊंगा तो आप सबसे बातें मैं नहीं करूंगा, ओनली 10 मिनट बातें करूंगा। चैट में मैसेज जितना भी आएगा मैं 10 मिनट बातें मैं आप सभी से करूंगा। उसके बाद मैं आप सभी को डीजे ट्रैक म्यूजिक काटना सिखाऊंगा कि कैसे मैं काटता हूँ, वो मैं पूरा लाइव में सिखाऊंगा। तो आप सब लाइव में जुड़िए और डीजे ट्रैक म्यूजिक कैसे बनता है वो आप सब सीखिए लाइव में जुड़कर। और चलिए चलते अपने पीसी के तरफ और लैपटॉप के तरफ और स्क्रीन के तरफ, कौन कौन सा ढोलकी उसका पैक है मैं आप सभी को दिखाऊंगा और पूरा पैटर्न बनाकर उसी में मैं सुनाऊंगा। क्योंकि VLC प्लेयर में सुनाऊंगा तो वो अच्छा से पूरा फुल नहीं सुनाई देगा, FL स्टूडियो में ही फुल सुनाई देगा अच्छा से। तो मैं FL स्टूडियो ओपन करूंगा। तो चलिए पहले चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन के तरफ, उसके बाद चलेंगे FL स्टूडियो में। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ। तो ये रहा ढोलक उदगा पैक, जो कि मैं आप सभी को दूंगा। तो ये जीप फाइल में रहेगा और इसमें पासपोर्ट लगा है, जो कि वीडियो में 10 स्टेप तक है। आप सब वीडियो को लास्ट तक देखकर पासपोर्ट लेकर और अनजिप करके, और अनजिप करेंगे तो ऐसे फाइल ओपन होगा। तो इसमें टोटल 57 आइटम है और इसे मैं इस फाइल को लेकर FL स्टूडियो में चलता हूँ। पहले FL स्टूडियो में अपना ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद इस फाइल को मैं FL स्टूडियो में रखूंगा, ड्रैग करूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सा उसका पैक है। तो चलिए मैं इसे ड्रैग कर लूँ अपना FL स्टूडियो में। देखिए यहाँ से मैं ड्रैग कर लूँ यहाँ से, और चलिए इसे सुनते हैं। सुनने के लिए पहले एयरफोन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देगा तो आप सभी को भी सुनाई नहीं देगा। चलिए मैं पहले अपना एयरफोन लगा लूँ। आपको मैं पहले पैटर्न बना के दिखाता हूँ, जो भाई ने कमेंट किया था उसे मैं दिल से थैंक्स, और पैटर्न उसे मैं बनाकर दिखा देता हूँ। और जो भाई को पैटर्न समझ में आता है और पैटर्न बनाना आता है तो वो लोग स्किप कर सकते हैं, और स्किप करेंगे तो इसी बीच में कहीं हो सकता है पासपोर्ट आ जाए, तो पासपोर्ट इधर उधर होगा तो मुझे कमेंट और मैसेज व्हाट्सएप में जाकर मत कीजिएगा। और व्हाट्सएप के बात है तो व्हाट्सएप में आप सब वॉइस मैसेज ही कीजिएगा, राइट मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि राइट मैसेज अक्सर बहुत आता है तो मैं जवाब नहीं देता हूँ राइट मैसेज का, वॉइस मैसेज कीजिएगा। चलिए पहले पैटर्न बनाते हैं। तो पैटर्न बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप में मुझे पड़ेगा किक का जरूरत, तो किक मैं पहले अपना रख लूँ यहाँ से कोई, तो चलिए मैं किक रख लूँ एक, कोई सा किक एक रखा गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जरूरी पड़ता है किट का, तो मैं पहले अब उसके बाद किट में रख लूँ एक, चलिए किट भी रखा चुका है। और उसके बाद ढोलक का जरूरी पड़ता है, तो ढोलक मैं ढोलक रख लूँ, तो चलिए ये ढोलक मैं रख लेता हूँ, और ढोलक भी रखा चुका है। और 4 स्टेप में जो जरूरी पड़ेगा वो पड़ेगा आपको उदगा पैक, तो ढोलक उदगा पैक मैं आप सभी को जो दूंगा वही मैं रखूंगा। तो चलिए पहले सुनाते हैं आपको फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट ये है, तो ये 8 स्टेप में लगता है तो मैं इसे नीचे रख लेता हूं, और उसके बाद मैं सुनाता हूं ये, तो ये भी आप सभी को ये फाइल में मिल जाएगा तो आप इसे रख लीजिएगा 4 स्टेप में। तो पहला है किक मेरा, देख सकते हैं यहां से, और उसके बाद में है किट हैट है, तो ये दूसरा है, और तीसरा में है ढोलक, और उसके बाद 4 स्टेप में है उदगा ढोलक उदगा पैक, तो इसे मैं फुल कर लूँ
थोड़ा मास्टरिंग कर लूँ अपना किक को, और जितना भी मैंने बीट रखा उसे मैं मास्टरिंग कर लूँ थोड़ा, और उसके बाद इसे भी थोड़ा मास्टरिंग कर लूँ, और इससे थोड़ा डाउन वॉल्यूम, और उसके बाद आप कीजिएगा इसे ट्रिम, और इसे भी अपने हिसाब से आप सब मास्टरिंग कर लीजिएगा, बीट को आप सब अपने हिसाब से मास्टरिंग कीजिएगा, और इसे भी थोड़ा। और चलिए पहले लगाते हैं इसे, किक को लगाना पड़ेगा हमें 4 स्टेप पर, तो 4 स्टेप में लगा लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंग बनेगा क्योंकि मैं समझाने की कोशिश भी आप सभी को करता हूँ इस वीडियो में, तो लंग बनेगा वीडियो, तो आप सब 4 स्टेप में लगा लीजिएगा। उसके बाद हैट को लगाना है किट को 3 पे, उसके बाद 4 4 4 पे, और उसके बाद ढोल को लगाना है 4 पे, उसके बाद फिर से 4 4 स्टेप में, 4 स्टेप में लगा देना है ढोल को, उसके बाद इसे लगाना है 8 स्टेप में, तो इसे मैं 8 स्टेप में लगा लूं। देख लीजिए जैसे जैसे मैं किया हूं वैसे कीजिएगा, तभी पैटर्न अच्छे से बनेगा, नहीं तो अल्टल बजेगा। और इसे लगाना है जो कि फर्स्ट है, उसे लगाना है हमें 8 पे, तो 8 पे लगा लेता हूँ, और इसे थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, और उसके बाद सुनते हैं कैसा पैटर्न बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये पैटर्न बहुत मस्त बना है, ऐसे करके आप सब पैटर्न बना सकते हैं। मैं नॉर्मल ओनली, मैं नॉर्मल के लिए आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, आप सब अपना दिमाग लगाकर अच्छे बनाइएगा। फ्रेंड्स आगे मैं इस चैनल पर FL स्टूडियो टेक में आप सभी को सिखाने की कोशिश करूंगा, और पैटर्न में मैं सिर्फ थोड़ा सा सिखा दिया हूँ इसमें, तो आप सब ऐसे करके अपना दिमाग लगाकर आगे अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो बनेगा। और लगे रहेंगे जितना FL स्टूडियो में उतना आप सीखेंगे और समझेंगे FL स्टूडियो को। और चलिए आगे मैं सुनता हूँ कैसा है ढोलक ऊद का पैक, ये देख सकते हैं, उसके बाद मैं सुनाता हूँ आपको। फ्रेंड्स ये DEW है जो कि मैं अक्सर अपने पैटर्न में लगाता हूँ और डीजे ट्रैक म्यूजिक में लगाता हूँ, तो इसे लगाना है कैसे मैं आप सभी को बता दूँ। 2 पे लगाना है, उसके बाद 4 पे लगाना है, उसके बाद यहाँ से फिर से 2 पे और 4 पे यहाँ से लगाना है। जैसे मैं लगाया हूँ इसे वैसे आप सब लगा लीजिएगा और सुनिएगा कैसा बज रहा है। तो पहले मैं इसे भी मास्टरिंग कर लूँ अपना, और चलिए प्ले करके सुनते हैं कैसा बजता है। ऐसे करके आप इसे यूज कीजिएगा ड्यू को, और चलिए दूसरा सुनते हैं।
फ्रेंड्स आप सब डाउनलोड करके और ये देख सकते हैं, और इसमें कौन कौन सा मैंने आप सभी दे रहा हूँ आप सभी को, ये आप सब देख सकते हैं। इस फाइल को आप सब डाउनलोड करके और देख सकते हैं कैसा कैसा मैं उटका पैक आपको दिया हूँ। और डीजे ट्रैक म्यूजिक में मैं अक्सर यही उटका पैक अपना यूज करता हूँ, और आप सब भी इसी में से यूज कीजिएगा। डीजे सॉन्ग्स बनाते हैं तो डीजे ट्रैक बनाते हैं तो। फ्रेंड्स फटाफट से मैं सुन लेता हूँ आगे कैसा कैसा है, सुना देता हूँ आपको और कैसा कैसा है इसमें। आप सब डाउनलोड करके और जी फाइल अनजिप करके आप सब देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और चलिए सुनते हैं कैसा है आगे। फ्रेंड्स ये सुनिए ये कैसा है, ये बीट एकदम बना हुआ है मोबाइल एफएल स्टूडियो में, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में लगाते हैं द एंड स्क्रीन, वीडियो बहुत लॉन्ग बन चुका है। और आप सभी को ये पैक अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, और आप सब मुझे सपोर्ट करते हैं और आगे सपोर्ट कीजिए और अपने साजन भाई को आगे बढ़ाइए। और चलिए वीडियो में लगाते हैं द एंड स्क्रीन।